आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीपैक सदस्यता महाभियान और टोल फ्री नंबर का किया शुभारंभ। वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर की चर्चा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से बेटे की पिस्टल बरामद। अयोध्या में वकीलों ने किया प्रदर्शन, गाजियाबाद और हापुड़ की घटना के विरोध में की नारेबाजी। और सहारनपुर में गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल, दूसरा चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के विकास और अन्नदाता किसानों की जरूरत को देखते हुए सभी को बैंकिंग सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रोग्राम में कही हैं। उन्होंने कहा कि हमने सहकारिता विभाग से कहा है कि जिन स्थानों पर बैंक शाखा की आवश्यकता हो वहाँ मैपिंग की जाए। उत्तर प्रदेश में MSME का सबसे बड़ा बेस है, इसके लिए सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि वहां पर सहकारिता बैंक की एक शाखा खोलने के साथ ही BC सखी के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्य किया जाए। पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में इन बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ें। राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, उन्होंने ये भी कहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें अपने सरकारी आवास में बीपैक सदस्यता महाभियान और टोल फ्री नंबर के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही हैं। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर हम लोगों को विरासत में मिली थी 16 जिला सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस भी जब्त कर लिए थे। आज उस संबंध में जो प्रयास किए गए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का भी, रिजर्व बैंक का भी। उन्होंने लाइसेंस की बहाली की, डबल इंजन की सरकार ने उसमें योगदान दिया। आज उनमें से 11 बैंक लगभग प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो शेष बाकी हैं उसमें भी हमें कार्य करना होगा, लेकिन जो अन्य बैंक हैं इनकी भी कार्य पद्धति को बहुत माइक्रो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मार्केट की कमी नहीं है, बिजनेस की कमी नहीं है, नेक नियति होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आगरा में विकास भवन में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री SP बघेल के नेतृत्व में 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, और जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 16 सितंबर को यानी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के एक दिन पहले आगरा में एक देहदान कैंप लगाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना अंग दान करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसमें उसके परिवार की मर्जी जरूर शामिल होनी चाहिए। इस कैंप में आप अपने शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग दान कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बीमार जरूरतमंद के काम आ सके। आगरा के लोग अपना अंग दान करेंगे, और अंग दान में यह है कि देहदान भी कर सकते हैं। उस दिन शपथ होगी और रजिस्ट्रेशन होगा हमारे नोटो डिपार्टमेंट में। उसमें हम हृदय, लीवर, फेफड़े, किडनी, पैंक्रियाज, बोन्स, कॉर्निया और टिश्यू दे सकते हैं। इनमें से 8 दे सकते हैं या 8 में से कोई एक दे सकते हैं, अथवा 2 दे सकते हैं, अथवा 3 दे सकते हैं, जो भी संख्या आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके बच्चों की सहमति से ही ले सकते हैं, लेकिन और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दुबग्गा में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर 28 वर्षीय विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली विनय के माथे पर मारी गई। हत्या की सूचना पर DCP पश्चिम राहुल राज, ACP काकोरी अनूप कुमार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की पिस्टल बरामद कर ली है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। DCP के मुताबिक विनय श्रीवास्तव कन्हैया माधवपुर
वार्ड फरीदीपुर में रहने वाले हैं। मृतक के भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि रात में भाई विनय विकास किशोर के घर पर गया था। वहां अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम और बाबा रहते हैं। वहां चारों लोगों ने भाई के साथ खाना पिया और उसके बाद उनके बीच झड़प हुई। इसी दौरान भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपितों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर हत्या के कारणों के बारे में जानकारी की जा रही है। विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में आज साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और हापुड़ और गाजियाबाद में वकीलों पर हुए हमले को लेकर अयोध्या में वकीलों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि शुक्रवार को वकील नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी नीतीश कुमार को दिया गया है। वकीलों ने 4 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। विरोध में प्रदर्शन हुआ है, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान है। हो या ना हो, हमारे वकील पूरे यूपी की नहीं भारतवर्ष के एक है। किसी वकील पर कोई आफत आएगी तो फैजाबाद संघ अपने आप आगे रहेगा। हम कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहते हैं, आज हमारी केवल सांकेतिक ये हमारा हो रहा है, आंदोलन रहा है। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं आया और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे सुनने की कोशिश ना की तो हमारा ये प्रदर्शन इसी सप्ताह, कल शनिवार, परसों इतवार, सोमवार तक दिखाई पड़ेगा, जो चौक तक जाएगा और सारे वकला साहबान केवल चौक में दिखाई पड़ेंगे और उसमें ये कभी भी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जीआरपी ने बच्चा चोर गिरोह की एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बच्चा भी बरामद किया गया है। इन लोगों ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 11 महीने का एक बच्चा चुरा लिया था। बच्चा चुराने की यह घटना सीसीटीवी में कैद होने की वजह से ये गैंग जीआरपी के हत्थे चढ़ी है। संबल जनपद के चंदौसी के रहने वाले हैदर और चांदनी सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मात्र 42 घंटे से में ही बच्चा बरामद कर लिया गया। सभी आरोपी जनपद संभल की चंदौसी के रहने वाले हैं और इस बच्चे को सिर्फ 19,000 रुपये में बेचने की बात चल रही थी। वहीं बच्चे के पिता धर्मेंद्र ने जीआरपी को धन्यवाद देते हुए बताया कि वो सीतापुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आया हुआ था, आराम करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ था, जहां से उसको ये लोग चुरा कर ले गए थे। बार की रात में यहां सो रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पकड़िया के दुकान के पड़ोस में। वहीं से करीब 3 बजे के टाइम मेरा बच्चा देखा, रात में मैं उठा तो देखा बच्चा था, माँ ने दूध भी पिलाया। 3 बजे के बाद जब मैं उठा तो देखा मेरा बच्चा नहीं। छानबीन की सर लोगों को इतला किया तो सर लोगों का पूरा भ्रम प्रयास बहुत अच्छे से परिश्रम से मेरे बच्चा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने 20 लाख रुपए की कीमत के 101 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे हैं। ये सभी मोबाइल सर्विलांस टीम की मदद से अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं और ये सभी मोबाइल वह हैं जो गिर गए थे या किसी स्थान पर छूट गए थे या चोरी हो गए थे। मोबाइल वापस मिलने पर सभी मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल बरामद करने वाले सर्विलांस टीम को SSP ने 10,000 रुपये देने का घोषणा किया है। हमारी जो सर्विलांस टीम है उसके द्वारा करीब 101 मोबाइल हैं जो कि पिछले कई महीनों में रिकवर किए थे और आज जो उनके जो ओनर हैं उनको आज सुपुर्द किया गया है यहाँ पे। और इनकी जो कीमत है करीब 20 लाख के आसपास में है और सभी जो अच्छे अच्छे जो कंपनीज के बड़े महंगे फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड वाले, ये किसी का रास्ते में गिर गया था तो किसी का चोरी हो गया था, अब इनको पता नहीं कहाँ पर वो गिरा था या चोरी हुआ था। तो इस तरह के मोबाइल्स हैं जो कि हमारी सर्विलांस टीम ने ये सब बरामद किए हैं और आज सभी लोगों को इसमें सपोर्ट किया गया है। इस पूरे कार्य के लिए जो मेरी टीम है उसको 10,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी मिलने दिया गया।
और बाराबंकी जिले में एक अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज की पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने एक शिक्षक और शिक्षिका से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, इसमें आरोप लगाए गए हैं और इस सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षिका और एक शिक्षक पर बार बार नीच जाति और गरीब होने का ताना देने और सरेआम प्रताड़ित किए जाने से दुखी होकर आत्महत्या कर लेने का जिक्र किया है। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। छात्रा की माँ किसी तरह अपनी दो बेटियों को पढ़ा रही थी। बड़ी बहन के साथ हुए इस हादसे के बाद छोटी बहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। शिक्षकों द्वारा इस भेदभाव के बाद मृतक छात्रा की माँ काफी हताश है। कार्रवाई को लेकर उसने नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा की माँ कप्तान से मिली और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुनिया से जाना, बड़ी होनहार बच्ची थी, पढ़ने में भी अच्छी थी वो, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। बहरहाल उसके बाद जो है पुलिस के लोग आए 5 तारीख को, उन्होंने अपनी विवेचना की, जो भी उनको विवेचना करना था अपनी जानकारी लिए, और 6 तारीख को जो है जो आपके कोतवाल हैं साहब हैं एसओ का है, एक उन्होंने वो दिया हिंदुस्तान में आया 6/8/2023 में कि सुसाइड में नोट में बच्ची ने खुद ही को जिम्मेदार बताया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और ये हिंदुस्तान की अपनी जो है, ये हिंदुस्तान में ये चीज़ थी, प्रकाशित थी, इसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पष्ट है। उसके बाद ये इत्मीनान हो गया कि साहब इसमें कोई किसी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बरनाहल ब्लॉक के नगला डाडा गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो सभी लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। बता दें कि ग्रामीण जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। पूरा मामला है कि हमारे गांव की काफ़ी समय से, लंबे समय से सड़क ना होने के कारण आज हमें कठिनाई का सामना देखना पड़ रहा है। काफ़ी वर्षों से, जब से मैं 10 साल खाता तब से यही पोजीशन देखता चला आ रहा हूं। कहीं किसी की सरकार तो कहीं किसी की सरकार, कहीं किसी सरकार, अगर बारिश हो जाती है तो इस पर इतनी दिक्कत आती है कि आज हमारे बच्चे या हमारे बड़े बूढ़े या कोई तकलीफ हो जाता, रात को हम ले नहीं जा पाते, यहाँ तक गाड़ी नहीं आ पाती है, खाट पे धर कर ले जाते हैं वहाँ रोड तक। तो हमारी अनुरोध है सरकार से कि रोड बननी चाहिए तो हम लोगों को आराम मिलेगा। मैं तब स्कूल जाती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, मैं जा नहीं पाती, यहाँ की सड़क ख़राब है और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं आ पाती हैं और इधर बहुत गड्ढे हैं। मैं ये मान रखती हूँ कि यहाँ की सड़क कच्ची से पक्की बनवाई जाए ताकि जो लोग हैं, जो इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, वो जा सकें वहाँ पे। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बाढ़ के बाद कारसेवा का पुल झरझर हो गया। बाढ़ की वजह से लंबे वक्त तक पुल जो है पानी में डूबा रहा। इसके बाद पुल का एक अप्रोच टूटी हुई है। इस पुल से लगभग 1 दर्जन गांवों के ग्रामीण पुल से होकर गुजरते हैं। इस तरह पुल की अप्रोच टूटने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन के लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तस्वीरों में ग्रामीण पुल की सफाई करते हुए और मरम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के बढ़िया ग्राम में के कारसेवा पुल कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है। नजीबाबाद के सपा विधायक ने जर्जर पुल को लेकर इसका जायजा लिया था, लेकिन अभी भी पुल का कार्य अधूरा है। सिख समाज के लोग हर साल इस पुल की साफ सफाई करते हैं। अगर समय पर पुल की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। पुराने समय में इस पुल का निर्माण सिख समाज के लोगों के द्वारा किया गया था और सिख समाज के लोगों ने का कहना है कि पुल का जल्दी से निर्माण किया जाए। अभी तक ये पुल आम जन, मतलब सिख समुदाय की तरफ से बनाया गया था बाबा जी की सहयोग से, और अभी तक इसमें अप्रोच का काम नहीं हो पाया ढंग से। या इस पुल का पूर्ण निर्माण हो या इसे सही किया जाए, जिससे आने वाले समय में यहाँ के लोकल किसान को या आम जन को यहाँ आने जाने में परेशानी ना हो। और विधायक जी द्वारा भी आए गए थे और आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन से काम नहीं हो रहा। हर साल इसमें मिट्टी डाल के इसे चालू कर दिया जाता है, जब इसकी मिट्टी खिसक जाती है, उसके बावजूद भी इस पुल के नीचे इतना झाड़ी झाड़ और अपनी लकड़ियां फंसी हुई थी, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया गया कि ये पुल पूरा ध्वस्त हो सकता है।
और उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कोतवाली देहात में पुलिस की दबिश के दौरान शहजाद नाम के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिसकर्मी शख्स को सड़क पर लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग निकले। पुलिस टीम प्राइवेट गाड़ी से शहजाद को पकड़ने के लिए आई थी। पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। धामपुर थाना क्षेत्र के गाँव तिबड़ी का रहने वाला शहजाद पुत्र शरीफ अहमद अपने बहनोई निसार पुत्र अली हसन के यहाँ रहमुल्ला कॉलोनी कोतवाली देहात आया हुआ था। शाम को लगभग 6:30 बजे धामपुर थाने की एक पुलिस टीम प्राइवेट गाड़ी से शहजाद के तलाश में उसके बहनोई के घर मारपीट के एक मामले में दबिश देने पहुंची। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान शहजाद छत से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आज शाम को लगभग 6:30 बजे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम शहजाद है उसकी मृत्यु होने के संबंध में अवगत कराना है कि 28 अगस्त को धामपुर थाने पर शवाना नामक एक महिला ने शहजाद के विरुद्ध एक अभियोग दर्ज कराया था सेक्शन 341 एवं 506 IPC में। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में धामपुर से एक पुलिस टीम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पर आज शाम को गई थी। एक मकान में शहजाद के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को देखते ही शहजाद छत से भागा और भागते समय उसकी छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। सड़क पर वो नीचे गिर गया था। शहजाद के परिजनों का ये कहना है कि सलमान भी मौके पर था और सलमान ने शहजाद को ईंट मारी है जिस कारण शहजाद छत से नीचे गिरा और शहजाद की मृत्यु हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसी पूरे प्रकरण में एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जो कि गाँव वालों ने मुझे भेजा है। इस वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मौके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं घायल शहजाद को मौके पर छोड़ के। पुलिसकर्मियों का कर्तव्य था कि घायल अवस्था में शहजाद को अस्पताल लेकर जाते जहाँ उसका उपचार हो सकता। उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। इस कारण इन चारों पुलिसकर्मियों के जिनके नाम सब इंस्पेक्टर अनिल, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल अंकित राणा और कांस्टेबल विजय तोमर हैं इन चारों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच SP रूरल को दी गई है। उनको निर्देशित किया गया कि 7 दिवस में आख्या प्रेषित करें। इसमें DM साहब को भी मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि संपूर्ण प्रकरण की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित करें जिससे कि पूरी स्थिति क्लियर हो सके। इस संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर में फतेहपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी गोकश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से गोकश घायल हो गया है। हालांकि इस दौरान उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश रामपुर मनिहारान थाने से गोकशी के मामले में वांछित चल रहा था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और 2 खोखे और एक बाइक बरामद की है। बदमाशों को रोकने का पुलिस पार्टी ने प्रयास किया तो इस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी और एक भागने में सफल रहा। जो बदमाश पकड़ा गया है वो वजीर नाम का बदमाश है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम है जो कि गौकशी के मुकदमे में थाना रामपुर मनियारन से वांछित चल रहा था। जो दूसरा बदमाश है उसकी पुलिस जानकारी कर शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो बदमाश है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसका इलाज करवाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की जेल में बंद भाइयों से भाईदूज के शुभ अवसर पर मिलने आई बहनों के लिए आज़ाद अधिकार सेना और ताज सेवा समिति और कोमल फाउंडेशन की तरफ से बंदी भाइयों से मिलने आई बहनों के लिए डाबर का रियल जूस और शीतल जल और बिस्कुट के पैकेट वगैरह वितरण किए गए और बहनों के बैठने के लिए जिला कारागार में मैट की व्यवस्था करवाई गई और उनके लिए भाइयों को राखी बांधने और जेल से जल्द रिहा होने की कामना की गई। कोमल फाउंडेशन के सहयोग से एक कैंप लगाया गया जिसमें बंदी भाइयों से आई महिला बहनों के लिए नित्य शुल्क डाबर इंडिया का रियल जूस, शीतल जल और पार्ले जी के बिस्कुट निःशुल्क वितरण किए गए। इस मौके पर कोमल फाउंडेशन के अध्यक्ष अश्वनी राजौरिया जी का विशेष सहयोग रहा। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में खेत में आवारा जानवरों से फसल की रखवाली करने गए 2 सगे भाइयों को दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से पीट दिया जिसमें एक भाई की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ वीरेश और मुकेश ये दोनों भाई रात्रि 9 बजे के बाद अपने खेत पर जानवरों की रखवाली करने गए थे जिससे कि फसल की सुरक्षा हो सके।
वहाँ पर विपक्षी ऋषिपाल आदि चार पांच लोगों ने इनके साथ लाठी आदि के साथ मारपीट करी, जिसमें और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मेलानी थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा राघवेंद्र सिंह ने बाजार में लगने वाले रेहड़ी पटरी के गरीब दुकानदारों को एक सिपाही के साथ जमकर गालियां दी और ठेला पलटने की कोशिश की। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इलाके के लोगों का कहना है कि राघवेंद्र सिंह काफी बिगड़ैल और तुनक मिजाज किस्म के दरोगा हैं, जो आए दिन रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों से मारपीट करते हैं और दुकान लगाने के एवज में पैसे की मांग करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आला अधिकारी ने मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई के पीट पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी के मुताबिक उसके जेठ ने उसकी आंखों के सामने ही उसके पति की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी, लेकिन उसके चिल्लाने पर भी कोई उसे बचाने नहीं पहुंचा। प्रकरण में तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई। पत्नी की तहरीर पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को बाद पंचायत में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। मौके प्रदेश के कानपुर नगर में आज के कार्यक्रम राष्ट्रीय ड्राइवर एकता दिवस में आए हुए मुख्य अतिथि के द्वारा व्यावसायिक वाहन के ड्राइवर भाइयों का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर और 10 लाख रुपए के जीवन बीमा देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सभी को यातायात सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देकर संपूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। मोनू यादव, आज सभी व्यावसायिक भार वाहन ड्राइवरों और सवारी ड्राइवरों का एक राष्ट्रीय ड्राइवर एकता दिवस मनाया है और इसमें सभी ड्राइवर भाइयों को एक संदेश ये पहुंचाया गया है कि जो भी शासन प्रशासन के सड़क सुरक्षा नियम है उन नियमों के अनुसार वाहन को चलाएं और जो भी आगे ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है उस ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमें एक होकर के मार्केट में जो लोड मिल। और उत्तर प्रदेश के महोबा में महोबकंड थाना क्षेत्र के टूला पातर गांव में घर के समीप बने खेत में बने तालाब में मां और बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक महिला के पिता की शिकायत पर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना महोबकंड जनपद महोबा के अंतर्गत एक पूनम राजपूत नाम की महिला एवं उसका बेटा जो 2 वर्ष का है उत्कर्ष राजपूत, वो जो है तालाब में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके पिता के द्वारा जो फौती तहरीर दी गई उसके आधार पर जो है पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमारे पैनल के द्वारा करवाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में पाली गर्रा पुल पर एक नशेड़ी युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक ने पहले पुल के रेलिंग में फंदा लगाकर आत्महत्या का नाटक किया, इसके बाद वो गर्रा नदी में कूदने का भी ड्रामा करता रहा और लंबे वक्त तक चले इस ड्रामे की सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर आई पुलिस ने युवक को नीचे उतारा और उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। पूरा मामला पीली के गर्रा नदी पुल का है, जहां पर देर शाम नशेड़ी युवक पहुंचा और यहां पुल की रेलिंग में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का नाटक करने लगा। लोगों ने उसे समझाया तो वो और भी ज़्यादा तमाशा करने लगा। नशेड़ी युवक ने इसके बाद पुल की रेलिंग से लटक कर गर्रा नदी में कूदने का भी ड्रामा किया। और उत्तर प्रदेश के जिला संभल के थाना जूनावई क्षेत्र में 5 दिन पूर्व हुए डबल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे ने आरोपी की पुत्री के साथ कोर्ट मैरिज की थी, इसी को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी और रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मृतक प्रताप के परिवारजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया था, जिसमें जय नारायण, विजयपाल, कालीचरण, जयपाल, हरिओम और 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हत्या में कराया गया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीपैक सदस्यता महाभियान और टोल फ्री नंबर का किया शुभारंभ। वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर की चर्चा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक की गोली मारकर हत्या, मौके से बेटे की पिस्टल बरामद। अयोध्या में वकीलों ने किया प्रदर्शन, गाजियाबाद और हापुड़ की घटना के विरोध में की नारेबाजी। और सहारनपुर में गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल, दूसरा चकमा देकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बुलेटिन में बस इतना ही, अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।